जगत से जुड़ी समस्याओं और विभिन्न मांगों के समर्थन में झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा राज्य प्रतिनिधि सभा का आयोजन शिक्षक सर्वोदय आश्रम में किया गया। प्राथमिक शिक्षकों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या प्रोन्नत की है। प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नत देने वाली नियमावली 93 के क्रम में 4 तरह की प्रोन्नतियाँ दी जानी है, परंतु विभागीय निष्क्रियता के कारण सभी तरह की प्रोन्नतियाँ बाधित है। प्राथमिक शिक्षा में मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पद बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इन्हें विद्यालय के प्रशासन के साथ साथ निकासी के दायित्व का भी निर्वहन करना पड़ता है, परंतु वर्तमान में 90% मध्य विद्यालय प्रधानाध्यापक विहीन है। हजारीबाग और लोहरदगा जैसे जिले में तो एक भी प्रधानाध्यापक नहीं। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि नियमावली 93 में संशोधन करके प्रधानाध्यापक के पद भरे जा सकते हैं। झारखंड प्राथमिक संघ 14 वर्षों से प्रधानाध्यापक के खाली पदों को भरने की मांग करता आ रहा है, परंतु यह संभव नहीं हो सका है। मांग हमारा है कि आज राज्य में 95% मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पद खाली है। किसी किसी जिले में तो एक भी प्रधानाध्यापक नहीं है, जिससे शिक्षकों के वेतन भुगतान में कठिनाई हो रही है। हमारा दूसरा मांग है कि हमारा प्रवरण वेतन मान कई जिलों में नहीं दिया गया है। तीसरा मांग है कि हमको MSEP का लाभ मिलना चाहिए, 10 बरस, 20 बरस और 30 बरस पर। जब सभी कर्मचारियों को सेंट्रल पे दे दिया गया तो हमको भी जो है सो सेंट्रल पे में MSEP का लाभ मिलना चाहिए। हमारा यह मांग है कि स्नातक प्रशिक्षित के वेतनमान में शिक्षकों को वेतनमान पहले से पद स्वीकृत है लेकिन नहीं मिल रहा है, वह दिया जाए। हमारा यह भी मांग है कि राज्य सरकार जो अभी निकट भविष्य में 4600 ग्रेड पे पर स्नातक प्रशिक्षित का वेतनमान पर नियुक्त करने जा रही है, इसका हम घोर विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि उनका वेतन, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। नियुक्ति के हम पक्षधर हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति 9300 से 34800 के ग्रेड पे 4200 में होना चाहिए। 4600 प्रोन्नति का पद है और जब तक नियमावली 93 बरकरार रहेगी तब तक जो है यह प्रोन्नति जो है सो नहीं दिया, उनको उस बिंदु पर बहाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा सरकार करती है तो पहले से जो कार्यरत शिक्षक हैं उसके साथ विश्वासघात है, उसके साथ नाइंसाफी है, उसके साथ क्रूर मजाक है। ये सारी मांग जो है सो हम लोगों को है। इसके अलावा जो है सो आज स्थिति यह है कि हमारा यह भी मांग है कि जिला शिक्षा अधीक्षक का पद जो है वह भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है, इसलिए जिला शिक्षा अधीक्षक का पद, जिला में SDO का पद, जिला में DI का पद, एरिया अफसर का पद, ये इतना पद बना हुआ है, ये पद जो है सो भ्रष्टाचार फैलाने के लिए है, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए नहीं। इसलिए इस सभी पदों को समाप्त करके DO के नेतृत्व में एक पद होना चाहिए और उसी के द्वारा पूरे शिक्षा विभाग को नियंत्रण किया जाना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार जब ज्यादा फैल जाएगा तो बहुत दिक्कत होता है। अगर भ्रष्टाचार को भी कम से कम, अगर हो भी भ्रष्टाचार तो सिमटा हुआ भ्रष्टाचार हो, एक जगह हो, चार जगह भ्रष्टाचार न हो, इसलिए एक भ्रष्टाचार हो। और यह जब मैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का सेक्रेटरी था, मैंने बिहार में वर्ष 1996 में मांग किया था, NDA की सरकार ने उसको दे दिया और वहाँ बिहार में यही लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, संचार टाइम्स, झारखंड।